जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 का संपूर्ण सार करेंगे। अध्याय 5 का नाम है कर्म योग और इसमें कुल 29 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म और योग के बीच के संबंध को समझाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी पहेली का उत्तर, क्या हम बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, तो आज हम इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे कैसे श्री कृष्ण हमें कर्म योग की राह दिखाते हैं, जहाँ न केवल कर्तव्य का पालन आवश्यक है बल्कि मन की शांति और आत्मा की मुक्ति का भी मार्ग है। कर्म योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशयसि यच्चे एत्यारेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप मुझे संन्यास यानी त्याग की बात भी कहते हैं और फिर कर्म योग यानी कर्तव्य पालन की भी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ताकि मैं सही मार्ग का चयन कर सकूं। अर्थात अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि संन्यास और कर्म योग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। वे इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं, ताकि वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। इस श्लोक के माध्यम से हमें श्री कृष्ण जी सीख देना चाहते हैं, जब हम जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करते हैं तो सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी भ्रम की स्थिति में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्म योगाश्च निःश्रेयसः कराभवः तयोस्तु कर्मासंन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास यानी त्याग और कर्मयोग, कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ कर्म, दोनों ही मोक्ष दिलाने वाले हैं। लेकिन इनमें से कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्थात जीवन में अपने कर्तव्यों से भागना या संन्यास लेना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी फल की चिंता किए निस्वार्थ रूप से कर्म करना आवश्यक है। संदेश, त्याग और कर्म के बीच संघर्ष करने के बजाय अपने कार्यों को ज्ञान और निस्वार्थता के साथ करना ही श्रेष्ठ है। गेहम स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभाव सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति न द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है, उसे सच्चा और नित्य सन्यासी जानो। हे महाभाव अर्जुन, वह व्यक्ति जो सभी द्वंद्वों या विपरीत भावनाओं से मुक्त है, वह निश्चित रूप से सर्व सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अर्थात केवल बाहरी तौर पर कर्मों का त्याग करना ही सन्यास नहीं है। असली सन्यास वह है जहाँ व्यक्ति भीतर से न किसी के प्रति द्वेष रखता है, न किसी वस्तु या फल की इच्छा। ऐसे व्यक्ति को नित्य सन्यासी कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को द्वेष और इच्छाओं से मुक्त कर लेता है, तो वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्वों से परे होता है, बंधन रहित और आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात कर्म करते हुए भी यदि मन को द्वेष और इच्छा से मुक्त कर लिया जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। सांख्य योग प्रत्येक बाल परद्वंती न पंडिता एकम उपस्थित समयु वयोर विन्दते फलम। अज्ञानी लोग सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न मानते हैं, परंतु ज्ञानी लोग ऐसा नहीं मानते। जो व्यक्ति किसी एक मार्ग का सही तरीके से अनुसरण करता है, वह दोनों का फल प्राप्त करता है। अर्थात ज्ञान और कर्म को अलग अलग देखने के बजाय हमें समझना चाहिए कि दोनों ही मार्ग मुक्ति का ज्ञान के साधन है। यद सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद योगो अपगम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति पश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार या मोक्ष को पाने के दो रास्ते हैं, सांख्य योग। दोनों रास्ते अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इन
लक्ष्य इनका लक्ष्य एक ही है, अर्थात जो स्थान ज्ञान के मार्ग से प्राप्त होता है वही स्थान कर्म योग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही मार्ग मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों को समान रूप से समझता है वही वास्तव में सारे दृष्टिकोण रखता है, सही दृष्टिकोण रखता है। हम चाहे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें या फिर निस्वार्थ रूप से कर्म करें, दोनों ही रास्ते में जीवन के अंतिम सत्य और तक ले जाते हैं। अतः हमें अपने जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का सही संतुलन बनाना चाहिए। संन्यास्तु महाबाहो दुःखम् आप्तु अयोक्तः योग युक्तो मनु मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल संन्यास या त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, बिना उचित योग के संन्यास कठिनाई और दुख का कारण बन सकता है। अर्थात व्यक्ति बिना योग के यानी बिना अनुशासन ध्यान और मानसिक संतुलन के संन्यास लेने का प्रयास करता है तो उसे दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए केवल हमें त्याग या संन्यास आवश्यक नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन और आत्म नियंत्रण का होना भी महत्वपूर्ण है। हम सभी अपने जीवन के किसी न किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उन कार्यों को त्यागने का सोचते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं तो हो सकता है हमें दुख और असफलता मिले, लेकिन यदि हम अनुशासन और योग के साथ अपने कर्मों को करते हैं तो जल्दी हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते। जो योग युक्त और विशुद्ध आत्मा वाला आत्म नियंत्रित इंद्रियों को वश में करने वाला तथा सभी प्राणियों के प्रति आत्मा भाव वाला होता है वह कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। अर्थात एक सच्चा योगी जो मन इंद्रियों और आत्मा पर नियंत्रण पा चुका होता है वह सब प्राणियों को एक समान देखता है और कर्म करने पर भी उसे कर्म नहीं बांधते। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् सन्वन् स्पर्शयन् जीवार्णम् अस्मिन् गच्छन् सौपन स्वासो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिसने स्वयं की सच्ची पहचान प्राप्त कर ली है और जो योग से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण संसार और कर्मों के प्रति कैसा होता है? अर्थात जब व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, शरीर और इंद्रिया कार्य कर रहे हैं लेकिन वह स्वयं या आत्मा इन कर्मों से अलग है, चाहे वह देख रहा हो या सुन रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो या सांस ले रहा हो, वह सब इन सभी को इंद्रियों का काम मान लेता है। इंद्रियां अपने अपने स्वाभाविक कार्य कर रही हैं, आत्मा इन सब से परे है और इन कर्मों में लिप्त नहीं होती, यह सब बस प्रकृति का ही खेल है। परलपन विसर्जन गर्णन उन्मसी मन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारय। एक कर्मयोगी व्यक्ति यह समझता है कि चाहे वह बोल रहा हो, कुछ छोड़ रहा हो या कुछ ग्रहण कर रहा हो, आंखें खोल रहा हो या बंद कर रहा हो, यह सब इंद्रिया कर रही है। वह जानता है कि वह आत्मा जो इन कर्मों से अलग है और यह सब कर्म सिर्फ इंद्रिया और उनके विषयों के बीच में हो रहा है। अर्थात व्यक्ति अपने सभी कार्य भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है, उसे यह ज्ञान होता है कि वह खुद कर्म करने वाला नहीं है बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। अर्थात हमें अपने जीवन के सभी कर्म निस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित करके करने चाहिए, इससे आत्मिक शांति मिलेगी। ब्रह्मणादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापे पद्मा पात्रमी वांश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मियों की महत्ता बताते हुए कहते हैं जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा यानी परमात्मा को अर्पित करता है और जो काम करते समय किसी प्रकार का मोह या आसक्ति नहीं रखता वह पाप से अछूता रहता है, जैसे कि जल में रहने के बावजूद कमल की पत्ती पानी में नहीं भीगती।
पिता जीवन में कार्य तो करना ही होगा, लेकिन उसे कैसे करना है यह महत्वपूर्ण है। अगर हम हर कार्य को इस भावना से करें कि यह भगवान की सेवा है और इसके फल की चिंता न करें, तो हमारे ऊपर कोई पाप या गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करके करता है तो वह पाप से अछूता रहता है। अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाओ, लेकिन उनके फल से खुद को मत जोड़ो। ऐसा करने से हम दुनिया की परेशानियों से ऊपर उठकर जी सकते हैं। काय मन सा बुद्धिया केवलेर इंद्रिये रपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मा शुद्धे। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी लोग अपने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करते हुए सभी कर्म करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की इच्छा को त्याग कर वे सभी कार्य केवल आत्मा शुद्धि के लिए करते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अर्थात कर्म सिर्फ शरीर से नहीं होता, बल्कि हमारे मन बुद्धि और इंद्रियां भी कर्म में शामिल होती हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन उस काम में होना चाहिए, बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए और इंद्रियों का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि कर्म करते हुए इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। हर कर्म को सावधानी अर्थात साधना की तरह किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पढ़ाई या कोई दूसरा काम करते हैं तो हमें यह सोचकर मेहनत करनी चाहिए कि इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। अगर हम हल्की चिंता किए बिना सही दिशा में काम करेंगे तो सफलता खुद ब खुद मिलेगी। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिम अपनोति नैष्ठिकी अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक वह जो योग या अनुशासित है और दूसरा वह जो इच्छाओं से घिरा हुआ है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल त्याग देता है स्थायी शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा से बंधा होता है वह अपनी इच्छाओं के कारण बंधन में पड़ जाता है। अर्थात जब परिणाम व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है तो उसे सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वंशी नव द्वारे पुरे देही नेम कुर्वन् कार्यम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम और आत्म ज्ञान के महत्व के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को मन से त्याग कर आत्म संयमी हो जाता है वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, न तो स्वयं कोई कर्म करता है और न दूसरों से कराता है। अर्थात जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि असली कर्ता आत्मा नहीं है, वह तो मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शरीर के कार्यों में उलझता नहीं और न ही उन पर ध्यान देता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे वह एक साक्षी हो जो केवल देखता है लेकिन उसमें शामिल नहीं होता। न कर्तव्यम न कर्माणम लोकस्य षष्ठी पर्व न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु परवर्ते। इस लोक में भगवान श्री कृष्ण संसार को कर्म और कर्ता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि प्रभु न तो किसी को कर्ता बनाता है, न कर्म कराता है और न ही कर्म फल से जोड़ता है। यह सब तो प्रकृति के गुण के अनुसार होता है। अर्थात परमात्मा संसार के कार्यों के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। हर व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर कर्म करता है। कर्म और उनके फल का संबंध भी प्रकृति के नियम पर आधारित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन में भी कर्म और परिणाम होते हैं। वह सब व्यक्ति की प्रकृति और कर्मों का ही परिणाम है, न कि परमात्मा की कोई विशेष योजना। अर्थात हम स्वयं ही अपने कर्मों के कारण इस संसार के बंधन में पड़ते हैं और इसी के कारण हमें कर्म फल भी मिलता है। ना दते कस्य चिंत पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञान नेनावर्तम ज्ञानम तेन मोहंती जन्तवतम। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करता। अर्थात ईश्वर न तो किसी के पाप का कारण है
और नहीं किसी के पुण्य का, बल्कि यह अज्ञानता है जो ज्ञान को ढक देती है और इसी कारण से जीव भ्रमित होते हैं। अर्थात हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। जब हमारे मन में अज्ञानता का पर्दा होता है तब हम सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझ पाते और संसार के भ्रमों में उलझ जाते। परमात्मा हम पर कोई पाप या पुण्य नहीं थोपते, बल्कि यह हमारी अज्ञानता है जो हमें भ्रमित करती है और गलत रास्ते पर ले जाती है। अर्थात हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर आकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हमारा मन ज्ञान से प्रकाशित होता है तो हम सही और गलत को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने जीवन में शांति और समझ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञाने तु तद ज्ञानम एषाम नासीतम आत्मना तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब किसी व्यक्ति अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है तो उसके लिए वह ज्ञान सूर्य के समान चमकता है और परम सत्य को प्रकट करता है। यह अज्ञान का अर्थ है वह मानसिक अंधकार जो हमें वास्तविकता और जीवन के सत्य से दूर है। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान अज्ञान का नाशक है। यह आत्मा और धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने की शक्ति प्रदान करता है। तद्भूतायस तत्मानस न तन्निष्ठास तत्प्रणय गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्भूत कल्माशा। जिसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो गई है, जिसका मन उसमें समर्पित हो गया है, जो उसी में स्थित है और जिन्होंने उसे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, वे ज्ञान द्वारा अपने समस्त पापों से मुक्त होकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं लौटते। अर्थात जो लोग परमात्मा में स्थिर और जो परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वे ज्ञान के द्वारा अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवि आस्तिनि सुनिचेर सेवा पाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चांडाल यानी नीचे कुल में जन्मे हुए व्यक्ति में समान दृष्टि रखते हैं, वे वास्तव में ज्ञानी होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति विद्या ज्ञान और विनय से संपन्न है वह हर प्राणी में एक समान दृष्टि रखते हैं, चाहे वह एक विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता या फिर एक चांडाल। ज्ञानी व्यक्ति सभी में समान आत्मा को देखता है। अर्थात सच्चे ज्ञान की पहचान किसी के बाहरी स्वरूप से नहीं होती, बल्कि उस ज्ञान से होती है जो हर जीव में एक ही आत्मा का बोध कराता है। ई है तेर्जित सर्गो एसाम साम्य स्थित मना निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्माद ब्रह्माणि ते स्थिता। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिन लोगों का मन समता में स्थिर हो गया है, जो सभी परिस्थितियों और प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं, वे पहले ही संसार पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और समान है इसलिए वे ब्रह्मा में स्थित हो गए हैं। अर्थात सच्ची आत्मिक प्रकृति जब होती है तब वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समान भाव रखता है। इस अवस्था में वह संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्मा में स्थिर हो जाता है। न परहसेत प्रियम प्राप्य नोद्विचेत प्राप्य चापेरियम स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्रह्मा विद ब्रह्माणि स्थिता। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर ज़्यादा खुश नहीं होता और अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर विचलित या दुखी नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह से मुक्त है, ऐसा ब्रह्मा को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित होता है। जो व्यक्ति जीवन के सुख दुख लाभ हानि आदि से प्रभावित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वह व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आत्मा या ब्रह्मा में स्थिर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त हो या हो जाए, वह हमेशा शांत और समता में ही रहता है। ब्रह्मा स्पृशो सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मा योगो तात्मा सुखम अक्षयम
असुनते जो व्यक्ति बाहरी सुख साधनों जैसे भौतिक चीजों से आसक्त नहीं होता, वह अपने भीतर यानी आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करता है। वह ब्रह्म योग में स्थित होकर अमर सुख को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सच्चे सुख की खोज बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा से करनी चाहिए। जब हम बाहरी चीज़ों के प्रति इच्छा को छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उसके वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं, तब हम वास्तविक आनंद की ओर बढ़ते हैं। अर्थात हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय अपने आंतरिक शांति और आनंद को ही पहचानना चाहिए। एहि संस्पर्शा जा भोगा दुखाई होना एव ते आधंतवंत कौन्ते न ते सुरमते बुधा। जो लोग संवेदी अनुभव से उत्पन्न होते हैं वे दुख की उत्पत्ति करने वाले होते हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। अर्थात भौतिक सुख क्षणिक और परिवर्तनशील है, इसलिए वे कभी भी स्थाई संतोष या आनंद नहीं दे सकते। सच्चा सुख और संतोष उस स्थाई स्थिति में है जो आत्मा में ईश्वर के साथ एकता में या ब्रह्मा में स्थित होकर प्राप्त होता है। सकनोति हैव ये सोड़ो प्रारक शरीर विमोक्षणार्थ काम करो तो देव भय विगम स युक्त स सुखी नर। जो व्यक्ति यहाँ इस शरीर को त्याग से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है वही योगी और सुखी है। भौतिक इच्छाएं और क्रोध मनुष्य को अनेकों तरह की समस्याओं और दुखों में डाल सकती है। यदि कोई व्यक्ति इन भावनाओं को काबू में कर लेता है तो वह अपने आंतरिक सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात आत्म नियंत्रण और मन की शांति के लिए काम और क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है, तभी वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। यौन तैस को अंतराम आरामस तथांतर ज्योतिरेव ये सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मा भूतो धी गचती। जो व्यक्ति भीतर से सुखी है और आंतरिक आनंद में रहता है वही सच्चा योगी है। वह ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त करता है और ब्रह्म के रूप में स्थापित हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने भीतर के सुख को अनुभव करता है और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता वह सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने भीतर होता है और वह बाहरी संसार की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा छिन्न दवेदा यथात्मना सर्वोपिदेरता। जो लोग पापों से मुक्त हो गए हैं, जिनके संदेह का अंत हो गया है, जो आत्म संयमी है और प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हुए ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अतः जो व्यक्ति निस्वार्थ स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, यानी उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। अर्थात जब व्यक्ति पाप मोह द्वेष से मुक्त होकर सभी प्राणियों के हित में कार्य करता है और मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। काम क्रोध विमुक्ता नाम हेति नाम यह चेतसा अभी तो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदिता आत्मना। जो लोग काम और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है और जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए ब्रह्मा निर्वाण होता है, चाहे वह इस संसार में हो या फिर मृत्यु के बाद। अर्थात जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और इच्छाओं और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तब उसे संसार में रहते हुए भी आत्मिक शांति और मोक्ष का अनुभव करता है। स्पर्शन करित्वा बाह्य ब्रह्मास चक्षुश्चेवान्तरे ब्रूहि प्राणापानो समूह करित्वा नासा वेत्रा चरिणो। बाहरी विषयों को बाहरी रखते हुए और नेत्रों को दोनों ग्रहों के बीच में स्थित करके यानी ध्यान मगन होकर प्राण और आपान यानी श्वास और निश्वास को नासिका के भीतर समान कर ध्यान करने वाला योगी स्थिर रहता है। अर्थात ध्यान करने वाला योगी बाहरी वस्तुओं और विषयों से अपने मन को हटाकर अपनी दृष्टि को अपने दोनों ग्रहों के बीच में केंद्रित करता है। यह ध्यान की एक महत्वपूर्ण अवस्था है।
जहाँ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके आंतरिक रूप में स्थिर करता है। यतेन्द्रिय मनो बुधिर मुनिर मोक्ष प्राणायाम विगत चापया क्रोधो यह सदा एव स। जिसने अपनी इंद्रियों मन और बुद्धि को वश में कर लिया है ऐसा मुनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलग्न रहता है। वह सभी इच्छाओं और भय से मुक्त होकर पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। अतः जिसने अपनी इंद्रियों मन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है वह मुनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का डर नहीं रहता और न उसे कोई इच्छा बांधती है क्योंकि उसे न तो आत्मा के सत्य को जान लिया है। भोक्तारम यत्तप्सां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। जो व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपों का परम भक्ति सभी लोकों का स्वामी और सभी जीवों का सच्चा मित्र समझता है वह शरण में आकर सच्ची शांति प्राप्त करता है। अर्थात जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं सभी लोकों के स्वामी हैं और सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं इस सत्य को जानकर भगवान में अपने मन को स्थिर करके व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।